आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, प्रश्न है, जिस वाक्य में दो समान धारिकाएं उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य और साधारण वाक्य। ये हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो जिस वाक्य में दो समान धारिकाएं उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा से देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक सरल वाक्य और एक कोई भी दूसरा उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जटिल वाक्य। क्या है जटिल वाक्य, किसे कहते हैं? पारंपरिक व्याकरण में एक जटिल वाक्य क्या था, एक वाक्य होता है जिसमें एक स्वतंत्र खंड मतलब मुख्य खंड और कम से कम एक आश्रित खंड होता है उसे जटिल वाक्य कहते हैं। तो इस कारण हमारा तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन साधारण वाक्य, जिसमें क्या होता है, एक क्रिया होता है, क्या होता है, एक ही क्रिया होता है और एक ही कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। तो इस कारण हमारा चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।